नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केशव खेर और आज मेरे पास फाइनली आईफोन टेन एस और टेन एस मैक्स आ चुके हैं और आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि दोनों ही बॉक्स मेरे पास रखे हुए हैं, पर मैं आपको सिर्फ एक ही बॉक्स का कंटेंट दिखाऊंगा क्योंकि दोनों में आपको सेम कंटेंट मिल जाता है। लेकिन फिक्र मत करिए, मैं आपको आईफोन टेन एस का भी ओवरऑल लुक ज़रूर दिखाऊंगा, पर फिलहाल अभी मैं इसको साइड में कर देता हूं और देखते हैं कि इस बॉक्स में आपको क्या मिलता है। तो इस लिड को हटा लेते हैं, ऊपर से साइड में रख देते हैं हम इसको और बॉक्स कंटेंट देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर ये लिड है और डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा हुआ है और इसके अंदर आपको कुछ ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो ये एक वेलकम किट है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं इसके साथ, हाउ टू यूज़ वगैरह। साथ साथ आपको इसमें एक सिम इजेक्शन टूल मिल जाता है और आपको एप्पल का ये स्टिकर्स जो हैं एप्पल के वो भी मिल जाते हैं। तो फिलहाल एनीवे अभी इनको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और फ़ोन पर नज़र डालते हैं। फ़ोन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, कलर जो कंपनी ने लॉन्च किया है गोल्ड कलर वही हमारे पास आया है रिव्यू के लिए और ये देख सकते हैं कि फ़ोन की लुक काफ़ी आपको इम्प्रेसिव लगेगी। हालांकि देखने में आईफोन 10 की तरह ही, बस कलर की वजह से थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो जाता है। पर एनीवे अभी इसको ऑन करते हैं और यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और देखते हैं कि आईफोन 10s मैक्स और 10s जब आप लेने जाएंगे तो आपको क्या कंटेंट मिलता है। अब सबसे पहले आपको एक ये पावर अडैप्टर मिल जाएगा जिस पर 5 वोल्ट 1 एम्पियर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इसके साथ साथ आपको इसमें ये रेगुलर आईफोन के ईयरफोन्स भी मिल जाएंगे जो कि लाइटनिंग पोर्ट के साथ आते हैं और इसको भी हम यहाँ प्लेस कर देते हैं और हमेशा की तरह आपको एक लाइटनिंग केबल भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप इस आईफोन को ख़रीदेंगे तो ये सारी एक्सेसरी आपको इसके साथ मिलेगी और इस बार जो कंपनी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर रही है वो ये है कि आपको इसमें लाइटनिंग कनेक्टर नहीं मिलता, यानी लाइटनिंग टू 3.5 mm ऑडियो जैक कनेक्टर आपको इसमें नहीं मिलता। अब इस फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से आपको आईफोन 10 की तरह ही लगेगा, सिर्फ स्क्रीन साइज़ का इसमें फ़र्क है और जो साइड में एजेस दिए गए हैं वो 10 की तरह ही राउंड है। बैक साइड पर वर्टिकल कैमरा प्लेसमेंट दी गई है, एप्पल का लोगो आईफोन यहाँ पर लिखा है और नीचे की तरफ आपको ये लाइटनिंग पोर्ट मिल जाता है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। जबकि आप इसके राइट साइड में देखेंगे तो सिम ट्रे मिलेगी और पावर बटन मिलेगा, साथ साथ यहाँ पर आपको वॉल्यूम लॉकर की और ये एक स्विच मिल जाता है जिससे आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं और ऊपर की तरफ आपको कुछ नहीं मिलता। तो अब एक बार मैं आपको आईफोन 10 और 10s मैक्स ये तीनों ही एक साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको भी इनकी लुक्स का अंदाज़ा हो जाए कि ये फ़ोन्स एक जैसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये रहा आईफोन 10s और ये रहा आईफोन 10, और आईफोन 10 और 10s तो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। पर एनीवे आपको मैं एक बार इनकी लुक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर तीनों फ़ोन को मैंने रख दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ साइज़ का फ़र्क है 10s और 10s मैक्स में, अदरवाइज कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। साथ साथ आपको बता दूँ कि 10s मैक्स की बैटरी भी जो है वो 10s से थोड़ी सी ज़्यादा है ओवरऑल। बाकी अगर स्पेसिफिकेशन पर आप गौर करेंगे तो वो सेम है। तो अब हम स्पेसिफिकेशन तक रुक करते हैं तो आपको बता दूं कि आईफोन 10s मैक्स में आपको मिल जाएगा 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले और आप डिस्प्ले की क्वालिटी देख सकते हैं कि कितनी शानदार है। हमेशा ही आईफोन के डिस्प्ले काफ़ी अट्रैक्टिव माने गए हैं और इस बार भी कंपनी ने ऐसा ही किया, आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। साथ साथ यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि कंपनी ने इस बार इसके डिस्प्ले क्वालिटी को एनहेंस कर दिया है और जो इसमें आपको डिस्प्ले मिल रहा है वो पहले के मुकाबले 60% ज़्यादा अच्छी यू नो HDR कंप्लायंट है। तो आपके जो वीडियो व्यूइंग होंगे वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, आप इसमें अपने वीडियोस का अच्छा लुत्फ उठा पाएंगे। साथ साथ अगर हम इसके इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन बात करें तो कंपनी ने इसमें दिया है A12 बायोनिक चिपसेट जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग है और इसमें आपको 4GB की रैम मिल जाती है। साथ साथ जो मॉडल मेरे पास आया है इसमें 512GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि इस बार जो आईफोन्स आ रहे हैं 10s 10s मैक्स जो भी हैं और 10R, इनमें आपको डुअल सिम सपोर्ट मिलता है। फिलहाल जो अभी फ़ोन हमारे पास आया है इसमें आपको सिर्फ एक सिम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो सेकेंडरी सिम है वो ई सिम का काम करेगा, यानी अभी जियो और एयरटेल ही इस सिम के प्रोवाइडर हैं। पर फिलहाल जब आप इस फोन ख़रीदेंगे तो आपको ई सिम यूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उस पर कंपनी का कहना है कि इस साल के आखिर तक आप ई सिम का भी इस फ़ोन में इस्तेमाल कर पाएंगे, वो अपडेट के बाद ही आप कर पाएंगे। साथ साथ इसमें आपको iOS 12 मिल जाता है
इसके अलावा जो मेजर अपडेट है वो कैमराज में भी दिए गए हैं। आपको इस बार 12+12 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर तो मिलता ही है, जिसमें एक शूटर जो है वो टेलीफोटो इमेजेस क्लिक करता है, यानी 2x आपको ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। लेकिन जो दो कैमराज में से प्राइमरी कैमरा है वो अब पहले के मुकाबले इम्प्रूव हो गया और लार्जर आपको सेंसर इस बार मिलता है। तो एनीवे आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। इनफैक्ट कंपनी ने जब प्रोसेसर और कैमरा के ऑप्टिमाइजेशन से अब इसमें आपको स्मार्टर HDR मोड दिया है, यानी अब आपकी जो HDR पिक्चर्स हैं वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा अच्छी आएंगी। साथ साथ आपको बता दूँ कि कंपनी ने अब इसकी डेप्थ चेंज करने का भी ऑप्शन इस कैमरा में मुहैया करवाया है, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप फोटो क्लिक करके बैकग्राउंड जो है यानी उसको अपने हिसाब से ब्लर कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आपको अपडेट मिल जाएगा तो आप उस इफेक्ट को रियल टाइम भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें अपडेट नहीं आया तो मैं आपको रियल टाइम बैकग्राउंड डेप्थ को चेंज करके नहीं दिखा सकता, पर अदरवाइज आपको बता दूँ कि कैमरा क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है। साथ साथ इसका फ्रंट कैमरा भी जो 7 मेगापिक्सल का है वो पहले के मुकाबले बेटर है। और यहाँ पर कंपनी का खुद ही कहना है कि कंपनी ने अब इसमें आपको यू नो AI इनेबल्ड फेस ब्यूटी मोड मुहैया करवाया है, तो आपका जो फेस है वो अपने आप ही थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा आपके फ़ोन में। कंपनी ने आपके जो चेहरे के रिंकल्स हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की है, और हमेशा की तरह आपको इस बार भी नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट और स्टेज लाइट जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और इसमें स्क्रीन फ्लैश भी दी गई है। तो जो मेजर अपडेट है वो कैमराज में है, बैटरी में है और साथ साथ प्रोसेसर में है। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज ये फ़ोन्स सारे ही एक जैसे लगते हैं, चाहे वो iPhone XS हो, XS Max हो या फिर iPhone X हो, और ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। वहीं बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको बता दूँ कि अब इस बार जो A12 चिपसेट डाला है इसके बाद कंपनी ने इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव की है। यहाँ पर कहना है कि परफॉर्मेंस 15% इंप्रूव हुई है और GPU 50%, जिस वजह से आप इसमें अपनी गेमिंग का अच्छा लुत्फ उठा पाएंगे। साथ साथ बैटरी की बात करें तो iPhone XS जो है वो iPhone X के मुकाबले 30 मिनट ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देगा, जबकि iPhone XS Max आपको iPhone X के मुकाबले 1.5 घंटा ज़्यादा बैटरी बैकअप देने की क्षमता रखता है। अब बात करें कीमत की, तो iPhone XS Max की शुरुआती कीमत है 109,900 रुपये, जबकि iPhone XS की शुरुआती कीमत है 99,900 रुपये। तो अगर आप अब 1,00,000 रुपये अपनी जेब से खर्च सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन बहुत ही ऑसम लुकिंग है और आपको डेफिनेटली इन्हें खरीदना चाहिए। पर एनीवे ये तो था इस फोन का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आपको इसको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। साथ साथ हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।